जिसे पता था वो किसी की दुल्हन बनने से पहले विधवा हो जाएगी, उसके हाथों की मेहंदी रचने से पहले फीकी पड़ जाएगी, उसके मांग में सिंदूर पड़ने से पहले उसकी मांग उजड़ जाएगी। जहां एक तरफ शहनाई गूंज रही थी, लोग डीजे पर थिरक रहे थे, वहीं उन चंद पलों में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद से वो सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। वो डीजे की आवाज चीख में बदल गई। इस घटना से किसी की मांग उजड़ी तो किसी की कोख। जी हाँ, ये दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है, जहां मंडप ही दूल्हे के लिए मौत लेकर आई थी। सुनिए दूल्हे के दोस्त की जुबानी दर्दनाक हादसे की कहानी। और बारात हर्षोल्लास के साथ दरवाजे पहुंची, वहां पहुंचते ही रिश्ता जीते ही चार पे पहुंचा। आपको बता दें, इस घटना के बाद गोली चलाने वाला शख्स मौके से फरार हो गया। वहीं इस मामले पर इलाके के डीएम शैलेंद्र सिंह का क्या कहना है, सुनिए। शादी के दौरान ही ये सूचना मिली है कि हर्ष फायरिंग किया किसी व्यक्ति ने, जिसके कारण वहीं पे दूल्हे को गोली लग गई और उनको चिकित्सालय में, जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस शख्स से फायर किया गया है वो लाइसेंसी शख्स था और परिवार से फायर किया गया है। निश्चित रूप से जो दोषी व्यक्ति हैं उनके लाइसेंस की जब्तीकरण हो गई है, साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इस तरह की घटना पहली बार सामने नहीं आई है, ऐसा पहले भी हो चुका है जब मंडप में इस तरह की गई फायरिंग से दूल्हों की जान गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार ने शादियों में हर्ष फायरिंग पर रोक लगा रखी है, तो लोग इस तरह की लापरवाही करके जिंदगियों को क्यों बर्बाद कर देते हैं। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।